हाय एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग से शेयर करूंगी मैंगो आइस की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसे देखने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा, और जो लोग भी मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना, कैसे मैंने इसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 आम लिया है, पके हुए आम है ये। इसके हम ऊपर से क्या करेंगे, इस तरीके से हटा लेंगे और इसे हम धो लेंगे पानी से। उसके बाद हम इसके छिकल को हटा देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके छिकल को हटा के तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। काटने के बाद इसे हम छोटे छोटे पीसेस में भी डिवाइड कर देंगे सबको। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इन सभी को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसे एक पेस्ट बनाने के प्रोसेस में। तो पेस्ट बनाने के मैंने यहाँ पे मिक्सी जार लिया है, बड़ा वाला बॉल लिया है। उसमें मैं यहाँ पे जितना एक बार में होगा उतना मैं डाल लूँगी और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे शुगर सिरप डाल रही हूँ फ्रेंड। चीनी वाला पानी डाल रहे हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पर चीनी को क्या किया था, पहले से ही एक पतीला लिया था, उसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 100 ग्राम के करीब चीनी डाला है और इसमें हम पानी डाल देंगे। इसका हमें कोई चाशनी नहीं बनाना है, ना ही एक तार मतलब देखना है, बस पिघलाना है चीनी को पानी में। गर्म पानी में जल्दी ये पिघल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी में डाला है इसे। इसका हम शुगर सिरप बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद यही मैंने उसमें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सबको पीस करके तैयार कर लेंगे। इसे हम एक पतीला में निकाल लेंगे और बाकी के जितने हैं वो भी हम इसी तरीके से पीस करके तैयार कर लेंगे मिक्सी बॉल में। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है हमारा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें एक मोल्ड लिया है आइस जमने वाला, उसमें हम इस तरीके से फिल कर देंगे इसे। तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से फिल कर दिया है इसमें, और इसे हम फ्रीजर में 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे फ्रीजर में 6 से 7 घंटे के लिए रख दिया। और बाकी के जो हमारे बच गए हैं इसमें हम और शुगर सिरप ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। एक पतला सा घोल बना के इसका तैयार करेंगे फ्रेंड, और नींबू का रस डालेंगे इसमें यहाँ पे, और इसे हम फ्रिज में रख देंगे और ठंडा होने तक का वेट करेंगे। उसके बाद हम इसे पी लेंगे। बहुत ही अच्छा जूस बन के तैयार होता है उसका। और यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 7 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है फ्रीजर में से। तो ये देख सकते हैं हमारी आइस जो है मैंगो वाली बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पर मैं चाकू की सहायता से इसे निकाल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाने में तो बहुत ही ईजी है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।